हमारे शास्त्रों में दान करने को पूजा पाठ के तुल्य ही बताया गया है। कहते हैं कि दान पुण्य का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है, लेकिन साथ साथ हिंदू शास्त्रों में दान के लिए समय भी एक बड़ा महत्व रखता है। जहाँ सही समय और सही तरीके से किया गया दान बहुत फलदायी होता है, वहीं समय निकल जाने पर किया गया दान आपको लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन चीज़ों का दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं कमेंट बॉक्स में जय माता दी जल्दी से लिख दें। सबसे पहले बात करते हैं दही का दान। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यास्त के बाद दही के दान को बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि दही का दान करना शुक्र ग्रह को मजबूत बनाता है, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए अगर आप सूर्य ढलने के बाद दही दान करते हैं तो सुख समृद्धि में कमी हो सकती है। नंबर दो, रुपयों या प्याज लहसुन का दान। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखनी है तो सूर्यास्त होने के बाद रुपये पैसे या प्याज लहसुन भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए रुपये पैसे या प्याज लहसुन का दान कभी भी सूर्यास्त के पश्चात ना करें। नंबर तीन, दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में दूध के दान को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन सूरज के अस्त होने पर दूध का दान भी आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि दूध का संबंध सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों से होता है। साथ ही इसके दान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त होने पर दूध का दान किसी ज़रूरतमंद को करता है तो यह आपके लिए शुभ नहीं होता। इसका विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। निवेदन, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।